नमस्कार, मैं शिवानी और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। शासकीय उचित मूल्य की दुकान परसोरिया द्वारा नहीं दिया जा रहा गरीबों को राशन। परसोरिया शासकीय उचित मूल्य की दुकान परसोरिया के सेल्समैन द्वारा गरीबों को मिलने वाला राशन नहीं दिया जा रहा है। वहीं गरीबों ने बताया कि यह सेल्समैन गेहूं के साथ केरोसिन की भी पर्ची निकाल देते हैं और केरोसिन चना दाल चावल नहीं दिया जा रहा है। परसोरिया में विगत 3 माह से यही मामला चल रहा है, जिसकी आज ग्रामीणों द्वारा सेल्समैन पर गुस्सा निकाला गया। इसके बाद वही ग्रामीणों ने इसकी सूचना सागर SDM पवन बारिया को दी, जिसके बाद SDM ने नायब तहसीलदार परसोरिया वैभव वैरागी द्वारा जांच कराने का आश्वासन दिया है। सागर से अनिल वर्मा के साथ सलमान कुरैशी की रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। नमस्कार। परसोरिया राशन दुकान पर जो है अनियमितताएं चल रही हैं। गेहूं के साथ में तेल की पर्ची भी, मिट्टी के तेल की पर्ची भी काटी जा रही है, जबकि मिट्टी का तेल का वितरण नहीं हो रहा है। ग्रामीणों का वहाँ पर आरोप है कि यहाँ पर राशन जो है बांटा नहीं जाता है, राशन यहाँ का जो है हड़प लिया जाता है। क्या कहेंगे? अभी इसमें हमारे नायब तहसीलदार वहाँ पे सतत निगरानी रखते हैं उस सारी चीज़ों को लेके। उनके द्वारा इस समस्या के बारे में अभी हमें कोई अवगत नहीं कराया गया है, आपके द्वारा ही अभी हमें इसको संज्ञान में लाया गया है। इस संबंध में मैं जो नायब तहसीलदार परसोरिया है उनसे जो है जांच प्रतिवेदन हम ले लेंगे, अगर वाकई अनियमितता है तो हम आवश्यक कार्रवाई करेंगे। हम भैया बोलाओ ना, चार्ज करो मानो।